पिछड़े वर्ग के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है। उनको लगता है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले और हमको सारी चीजें मिल जाए। और पिछड़े वर्ग के लोगों का आज जितना अहित हो रहा है शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो है कि अनुप्रिया पटेल जी, स्वतंत्र देव सिंह जी और ये केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नहीं बोल रहे? लिखत पढ़त में ये सरकार लिखत पढ़त में इतनी अच्छी बातें करती है कि सारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मोहित हो जाते हैं। मेरे पास एक साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से TCS की परीक्षा का रिजल्ट आया था। तमाम सारे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया उनको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं लोक हित प्रहरी संगठन के अध्यक्ष राम लगन यादव जी, जो कॉमर्शियल टैक्स में डिप्टी कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हुए, उनको तकलीफ हुई। हाई कोर्ट तक ले गए ये मुद्दा, राज्यपाल को लिखा, तमाम सारी जगह लिखा पढ़ी कर रहे हैं। दर्द ये है कि भले ही उनके घर परिवार के किसी व्यक्ति ने उस एग्जाम में क्वालिफाई ना किया हो, लेकिन तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों का नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर के वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। राम लगन जी, कहां कहां तक आपने कोशिश करी और आखिर पीसीएस के रिजल्ट में ऐसा क्या गड़बड़ी आपको समझ में आई कि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, पीसीएस का रिजल्ट जो आया उसमें आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उसके हिसाब से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी 265 सेलेक्ट होने चाहिए थे, सेलेक्ट हुए 199। अनुसूचित जात के छात्रों का रिजर्वेशन है 21%, उनको कुल पद मिलना चाहिए था 197, मिला 188। अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थियों को 2% के हिसाब से मिलना चाहिए था 17 पद और मिला केवल 14। इस संबंध में सारे तथ्यों के साथ मैंने 1/10/2020 को ही एक पत्र जो है वो गवर्नर महोदय को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव कार्मिक को और अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को भेजा था। कोई जवाब नहीं मिला। 27/10/2020 को मैंने फिर रिमाइंडर भेजा, कोई जवाब, कोई स्पष्टीकरण कहीं से नहीं मिला। उसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया। PIL पर विचार किया माननीय न्यायालय ने, उनके निर्णयों की मैं समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों को देखा नहीं देखा, जहां तक मेरी समझ है मुझे लगा कि उन्होंने देखा ही नहीं। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि ये रिट प्री मैच्योर है, जबकि रिजल्ट निकल चुका है। और दूसरी बात जो कहा माननीय न्यायालय ने, उन्होंने कहा कि इट इज ओपन टू द पेटिशनर टू द प्रेस द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न। सारे अथॉरिटी कंसर्न को मैं 1/10/2020 और 27/10/2020 को दे चुका था और उसकी कॉपी भी मैंने रिट के साथ संलग्न किया था। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं किस अथॉरिटी कंसर्न के पास जाऊं। माननीय न्यायालय के पास जाने का मेरा साहस नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अथॉरिटी कंसर्न मेरी बातें सुन नहीं रही है, न विचार कर रही है। लिखत पढ़त में ये सरकार लिखत पढ़त में इतनी अच्छी बातें करती है कि सारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोग सम्मोहित हो जाते हैं। मेरे पास एक पत्र है, श्रवण कुमार सिंह विशेष सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, इनका लेटर है 4/10/19 का, जो इन्होंने सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लिखा है। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पिछड़े वर्गों को 27%, अनुसूचित जात को 21% और जनजात को 2% आरक्षण देने का प्राविधान है और खुली प्रतियोगिता में
आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के बराबर या उससे ज्यादा मार्क पाता है उसकी गिनती कोटे के अंदर नहीं की जाए। अभी देखा होगा आपने, वासुदेव यादव जी ने एक पत्र लिखकर पूछा था विधान परिषद में, उनको भी जवाब सरकार ने इसी तरह का दिया, मतलब वो झूठ बोल रही है। सरकार इतना झूठ बोल रही है कि मैं आपको एक उदाहरण दिखा दूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित परीक्षा का परिणाम आया था जुलाई 2019 में, उसकी स्थिति तो ऐसी थी कि कोई भी देख के हंस सकता है। भारतीय संविधान के में या उसके अंतर्गत गठित किसी भी अधिनियम में ये व्यवस्था कहीं नहीं है कि हायर मेरिट को छोड़ते हुए लोअर मेरिट को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए। इस तरह का निर्णय एक अभी अभी जस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी आया है, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एक भर्ती में मैं उदाहरण दे दूंगा आपको, समाज शास्त्र में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मेरिट से 103.37, पिछड़े वर्ग की थी 130.34 और अनुसूचित जाति की 112.36 थी। ओबीसी की और एससी की दोनों की ज्यादा, दोनों की ज्यादा। राजनीति शास्त्र में अनारक्षित वर्ग की 115.15 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 127.27 और अनुसूचित जात का 115.15। अंग्रेजी में भी यही, अंग्रेजी में तो 53.06 अनारक्षित वर्ग की है और पिछड़ा वर्ग की 73.47 और अनुसूचित जात का 55.10 है। ये कहाँ पाल, इस संबंध में माननीय न्यायालय में भी रिट की गई थी। माननीय न्यायालय ने 17 जून 2020 को ऑर्डर किया है, हालांकि वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था और 9 महीने बाद दिया गया है। और उसको ये कह दिया गया कि गलत है, लेकिन जो है पोस्टिंग हो चुकी है इसलिए लिस्ट को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। मतलब हम कहाँ जाएं न्याय के लिए? अगर पोस्टिंग हो चुकी थी तो मैं न्यायालय, माननीय न्यायालय को बड़े सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि 9 महीने जो आदेश रिजर्व किया गया, तो वो मौका किसने दिया सरकार? या तो स्टे कर देते माननीय जज साहब हमारे, उस प्रक्रिया को स्टे भी नहीं किया उन्होंने, जब पोस्टिंग हो गई तो कह दिया पोस्टिंग हो गई। ये तो आप जजेस की बात बता रहे हैं। सामान्य देखा गया है कि जो वंचित तबके हैं जिनके छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उनके एडवोकेट्स जल्दी ढूंढे नजर नहीं आते। नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या ये है कि लड़ने के लिए छात्र तक नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल। पीसीएस 2018 में मैं पीआईएल दाखिल नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब मुझे कोई कैंडिडेट नहीं मिला और अधिवक्ता भी कोई तैयार नहीं हो रहा था सर्विस मैटर कह करके, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ला फॉलो नहीं हो रहा है तो देश का, प्रदेश का हर नागरिक एग्रीव्ड है, हर नागरिक दुखी है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि न्यायालय क्यों नहीं दुखी है। अगर ला फॉलो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो न्यायालय को एग्रीव्ड होना चाहिए। अच्छा, आप इतना सब प्रयास कर रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप रिटायर्ड हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता आपके घर से कोई एक कंपटीशन दे रहा होगा। आप इतना क्यों संघर्ष कर रहे हैं जब कोई छात्री आगे आने को तैयार नहीं है? हम जिन परिस्थितियों से आए हैं, गांव से आए हैं, जहां हमको ये नहीं पता था कि आयोग होता क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो गाँव में कोई टीचर्स वगैरह मोस्टली सवर्ण क्लास के आते थे, जो वहाँ गांव के स्कूलों में टीचर थे, तो पिताजी से यही कहते थे कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको बीटीसी का फॉर्म भरवा दीजिए, मास्टर जरूर हो जाए। तो हमने देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये कष्ट होता है कि जो चीज लॉ में है, कानून में है, तो कानून फॉलो क्यों नहीं हो रहा? या तो सरकार कानून खत्म कर दे,
पिछड़े वर्गों को न कहे कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, तो ठीक है पिछड़ा वर्ग अपना लड़ेगा या जो भी करेगा। आप एक तरफ कह रहे हो कानून फॉलो, कानून हमने बना रखा है। एक मैं और चीज बताना चाहूंगा कि जब पिछड़े वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया था संवैधानिक दर्जा, तो पिछड़े वर्ग के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन इस मामले में, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मामले में, दिनांक 9 और 10 सितंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग ने नोटिस भी भेजा, नहीं सुनवाई किया, दो दिनों तक सुनवाई किया। ये सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वंदना त्रिपाठी की उपस्थिति में माननीय केपी सिंह पटेल ने, और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि सारे इंटरव्यू स्थगित कर दिए जाएं और लिस्ट फिर से बनाई जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने स्थगित भी कर दिया सारे इंटरव्यू, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन फिर उनका कौन गॉडफादर था, कौन बास था जिसने आदेश किया कि नहीं कुछ मत करो, तुम पिछड़ा वर्ग आयोग को मत मानो, और उन्होंने 11-12 के इंटरव्यू केवल स्थगित किए और 13 से फिर नोटिफिकेशन कर दिया कि पूर्ववत इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो अब ये गॉडफादर कौन है, कहाँ बैठा है, जो लाखों कूड़ेदान में फेंक रहा है उसको धता बता रहा है, ये तो भाई वो गॉडफादर जानता होगा या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जानता होगा, या अगर भगवान कहीं होगा तो उसे भी जानना चाहिए। अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता जी। अच्छा एक समस्या और, क्या ये नहीं लगती, जैसे आपने अभी बातचीत में ही कहा कि छात्र सामने नहीं आते, जिनके साथ अन्याय हो रहा है वही लड़ना नहीं चाहते, हमेशा दूसरों का मुंह ताकते हैं। पिछड़े वर्ग आयोग में, पिछड़े वर्ग के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, उनको लगता है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले और हमको सारी चीजें मिल जाए। ताकि अनुप्रिया पटेल जी, स्वतंत्र देव सिंह जी और ये केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नहीं बोल रहे, वोट इन्हीं के नाम पर पिछड़े वर्गों ने ये सरकार बनाई, और ये सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने कंधे पर उठा करके बनाया, और पिछड़े वर्ग के लोगों का आज जितना अहित हो रहा है शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो अब ये सरकार क्या करेगी और पिछड़े वर्ग के लोग क्या करेंगे, या अब पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना है। बिल्कुल, जहां अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसी संदर्भ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें शुरू से अंत तक कोई रिजल्ट ऐसा नहीं निकला जिसमें पारदर्शिता हो। न तो सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी को पता है कि मैं क्यों सेलेक्ट हो गया, और न सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी को भी नहीं पता है कि मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हूँ, क्योंकि बाएं हाथ को दाहिने हाथ का पता नहीं है, किसको कितना मार्क्स मिला कोई नहीं पता। ये भी शायद 70 सालों में उत्तर प्रदेश में पहली बार ही हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर के राम लगन जी को आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि तमाम सारे लोग जो बहाना बनाते रहते हैं, लोग नहीं है, लड़ने वाले नहीं है, बोलने वाले नहीं है, आप अपने चारों तरफ आंख घुमा के देखिए, जागरूक और सजग रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले कितने लोग सामने आ चुके हैं, बशर्ते जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो खुद भी लड़ने को तैयार नहीं है। देखते रहिए निशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।